हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप। आपके साथ मैं हूं काजोल। पंजाब की कटरीना कैफ कहे जाने वाली शहनाज गर्ल अब अपने करियर के पीक पर पहुंच रही हैं। उन्हें बिग बॉस 13 में इतनी लाइमलाइट मिली कि वो पूरे देश में पॉपुलर सेलिब्रिटी बन गई हैं। फिल्मी गलियारों में शहनाज गिल सुर्खियों में रहती हैं। कभी उनका कातिलाना अंदाज लोगों के दिलों पर छा जाता है तो कभी उनका खुशनुमा मिजाज और चुलबुला अंदाज चर्चा में आ जाता है। हाल ही में शहनाज गिल ने रणवीर सिंह के न्यूड फोटोशूट पर रिएक्शन देकर लाइमलाइट बटोर ली है। जैसा कि आप जानते हैं कि बॉलीवुड के एनर्जेटिक स्टार रणवीर सिंह ने बीते दिनों न्यूड फोटोशूट कराया था, जिसकी वजह से वो विवादों में आ गए थे। उन्हें ट्रोल किया गया और साथ ही FIR भी दर्ज कराई गई। हालांकि कई सेलिब्रिटीज ने उनके इस कदम को साहसिक बताया, यहाँ तक कि एक्ट्रेसेस भी रणवीर सिंह के सपोर्ट में उतरी थी। अब इस लिस्ट में शहनाज गिल का भी नाम जुड़ गया है। कनेक्ट FM कनाडा के साथ बातचीत में जब शहनाज गिल से पूछा गया कि अगर उन्हें रणवीर सिंह से बात करने का मौका मिले तो वो न्यूड फोटोज को लेकर उनसे क्या कहना चाहेंगी, तब एक्ट्रेस ने मजेदार जवाब दिया और कहा कि मैं उनसे कहूंगी कि आपके इंस्टाग्राम पर मैंने कभी पोस्ट लाइक नहीं की, लेकिन वो पहली पोस्ट थी जिसे मैंने लाइक किया था। शहनाज गिल के इस स्टेटमेंट से साफ है कि रणवीर सिंह के न्यूड फोटोशूट को लेकर उनका सपोर्ट करती हैं। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र फाइनली 9 सितंबर को रिलीज हो रही है। समय नजदीक आता देख फिल्म का प्रमोशन और तेज कर दिया गया। शुक्रवार रात हैदराबाद में आयोजित इवेंट भी काफी शानदार रहा। फिल्म में काम कर रहे कलाकारों के साथ साथ नागार्जुन, जूनियर NTR जैसे साउथ के सुपरस्टार भी मन से ब्रह्मास्त्र की तारीफों के पुल बांधते दिखे। इन सब के बीच नागार्जुन ने रणबीर और आलिया के पेरेंट्स बनने को लेकर कुछ ऐसा कहा कि वो दोनों शर्म से लाल हो गए। इवेंट के दौरान नागार्जुन ने सबसे पहले रणबीर और आलिया की एक्ट्रेस के तौर पर जमकर तारीफ की। नागार्जुन ने कहा कि उन्होंने रणबीर और आलिया को बचपन से देखा है, वो उम्र की सीमाएं पार कर दोस्त बने। दोनों इस समय देश के शानदार प्रतिभाएं हैं, ये भी बढ़िया है कि दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हुए। वहीं नागार्जुन ने पेरेंट्स बनने जा रहे रणबीर आलिया को आशीर्वाद में उन्हें एक प्यारा सा संदेश भी दिया है। अनुष्का शर्मा और उनके क्रिकेटर पति विराट कोहली ने मुंबई के पास अलीबाग इलाके में 8 एकड़ का फार्म हाउस खरीदा है। फार्म हाउस अलीबाग के गांव जिराट के पास 8 एकड़ भूमि पर फैला है। अनुष्का और विराट ने फार्म हाउस को खरीदने के लिए लगभग 19 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि दंपत्ति ने सरकारी खजाने में 1.15 करोड़ रुपए जमा किए हैं। विराट कोहली के भाई विकास कोहली ने गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले फार्म हाउस को लेकर लेन देन पूरा किया। अमिताभ बच्चन और रश्मिका मंदाना पहली बार फिल्म गुड बाय में साथ नजर आने वाले हैं। अब इस फिल्म के रिलीज की तारीख का भी ऐलान हो गया है। फिल्म इसी साल 7 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। तो इंतजार किस बात का, जल्द ही बड़ी बड़ी फिल्में बॉलीवुड के खाते में हैं, साथ ही साथ टॉलीवुड भी अब बॉलीवुड के साथ नजर आ रहा है। ऐसी चटपटी मजेदार खबरों के लिए आप बने रहिए बॉलीवुड गपशप के साथ।